नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा आवाज़ बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा बिकॉज थोड़ा गला ख़राब है। आई होप कोरोना कोरोना ना हो अभी। आई कांट अफोर्ड दैट, घर पे नहीं है तो ध्यान रखने वाले जो घर पे होते थे वो सिंपथी वाला फेस वो तो चला गया। सो नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बट लीविंग दैट असाइड, ये फ्रॉग वॉइस को अगर तुमने बेयर कर लिया, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन दिस वीडियो बिकॉज आज हम कोलकाता डाबी के बारे में बात करेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मैंने मर्सीसाइड डाबी कवर किया है, नॉर्थ लंदन डाबी कवर किया है, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कवर किया हुआ है, और हर राइवलरी में मुझे कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। दैट इज व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डाबीज। उनको मजा आएगा, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। ये कोई एमी कोई राइवलरी नहीं है, 100 साल का हिस्ट्री है इस राइवलरी में, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एशियन फुटबॉल राइवलरीज दैट यू कैन एवर फाइंड, विच इज़ वाई गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग टू नो कि हुआ क्या था यार इन दोनों के बीच में। तो मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, इन दो क्लब्स ने कोलकाता को डिवाइड करके रखा हुआ है, पर क्यों, हुआ कैसे ये सब शुरू। इस राइवलरी को बोरो मैच भी बोलते हैं, बोरो आई मीन बिग मैच। अब मैं बंगाली में कैसे प्रोनाउंस करूँ आई डोंट नो दैट, बट आई थिंक इट्स बोरो मैच ओनली, कि बहुत बड़ा मैच होता है ये वाला। लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ मोहन बगान। तो मोहन बगान कुछ 1889 में फुटबॉल क्लब बना इंडिया में। सोचो 1889 में मोहन बगान पता लाइमलाइट में कैसे आया। 1911 में एक IFA शील्ड का फाइनल मैच था विद ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के साथ। टोटली ब्रिटिश पीपल थे उस रेजिमेंट में जो खेल रहे थे। नाउ इमेजिन, इंडिपेंडेंस वाला टाइम चल रहा है हमारा, ऑलरेडी कितना कुछ चल रहा था उस टाइम में देश में, और ब्रिटिश वर्सेस इंडिया का एक फुटबॉल मैच चल रहा है, और वो फुटबॉल मैच इंडिया वन, बाय विच आई मीन दैट मोहन बगान वन दैट मैच एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू बीट द ब्रिटिश टीम फॉर अ मेजर ट्रॉफी। दैट्स ह्यूज। नाउ यू नीड टू नो वन थिंग हियर, थोड़ा सा हिस्ट्री क्लास वाला इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ऐसा था 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था, तो ब्रिटिश ने बोला कि हम तो इसके टुकड़े करेंगे बंगाल के, क्योंकि बंगाल बहुत ही बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला बंगाल को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा। बट द थिंग इज दैट एक्चुअल में जो रीजन से डिवाइड करने के वो ये थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिलियंस बन रहा था वहाँ पे अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल। उसके बाद यू नो पूरा जो ये फ्रीडम इंडिपेंडेंस का वेव था, बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में। तो ब्रिटिश तो डर गए कि अब क्या करें, तो उन्होंने वही किया जो उनको बहुत अच्छे से आता है, वो है डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो जो भी लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में रहते थे उनको बोला जाता है गोटीज, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड जो भी लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल में रहते थे उनको बोला जाता था बंगाल्स। तो इस तरीके से जो बंगालीज डिवाइड हो गए थे, एक है गोटीज और एक है बंगाल्स। फिर हुआ यूं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो मोस्ट इफेक्टेड प्लेसेस वर पंजाब वाला एरिया एंड दिस बंगाल वाला एरिया, क्योंकि वहां पे ही पार्टीशन हुई थी। तो पार्टीशन के बाद जो भी बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्टर्न बंगाल में, वो लोग वापस इंडिया आ गए और वो इमिग्रेंट्स बन गए। इमिग्रेंट्स लगा लो, रिफ्यूजीज लगा लो, बिकॉज वैसे दे बिलोंग टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, बट दे हैड टू माइग्रेट हियर टू इंडिया बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। बेसिकली जो मोहन बगान है दैट रिप्रेजेंट्स द वेस्टर्न पॉपुलेशन ऑफ बंगाल, तो उनको हम नेटिविस्ट पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ की ही पॉपुलेशन है। और जो ईस्ट बंगाल है वो नाम से ही तुमको पता चल गया होगा, दे आर यूजुअली दैट इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी पॉपुलेशन ऑफ बंगाल जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया में आ गए थे। अब इसका एक बहुत बढ़िया रेफरेंस है स्कॉटलैंड का, एक स्कॉटिश लीग है वहाँ पे, ओल्ड फर्म डाबी होती है, वहाँ के दो क्लब्स हैं रेंजर्स एंड सेल्टिक। जो रेंजर्स क्लब है वो नेटिविस्ट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेल्टिक है वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड इफ यू माइट नो दिस, बट स्टीवन जेरार्ड जो लिवरपूल के बहुत ही बड़े लेजेंड हैं, वो रेंजर्स को मैनेज करते थे। अभी चलो वो एस्टन विला के मैनेजर बन गया, बट उस टाइम पे वो रेंजर्स को मैनेज करते थे। लेट्स गेट बैक टू द हिस्ट्री ऑफ मोहन बगान। जैसे मैंने बताया 1911 में जो IFA शील्ड फाइनल था वो मोहन बगान जीत गया था। उस टाइम पे मोहन बगान में सिर्फ वेस्टर्न पॉपुलेशन ही नहीं थी जो रिप्रेजेंट करती थी, तो मिक्सचर था दोनों ही पॉपुलेशन का, बट प्रीडोमिनेंटली ज्यादा रन इसको घोटीज करते थे जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। 1920 में एक चीज होती है जो कि बहुत कम रिलेटेड है मोहन बगान से, पर बहुत ज्यादा रिलेटेड है टू द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट बंगाल की वो कैसे बना। अभी याद रखना 1920 का टाइम है और इस टाइम पे कोई भी ईस्ट बंगाल क्लब नहीं है, मोहन बगान ही है। तो
तो 1920 में मोहन बगान का एक और कोलकाता के क्लब के साथ मैच था जो है जोरा बगान। ये मैच था कूच बिहार कप के लिए। जोरा बगान में उनके बहुत ही बड़े स्टार प्लेयर थे जो है शैलेश बोस, वो खेलते थे जोरा बगान में, लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से उन्होंने शैलेश बोस को टीम में रखा नहीं। When they had the match against Mohun Bagan, उन्होंने बोला कि शैलेश बोस नहीं है टीम में। फिर स्टोरी में एंट्री होती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे जोरा बगान क्लब के, उनका नाम है सुरेश चंद्र चौधरी। तो उन्होंने ना क्वेश्चन करा कि भाई शैलेश बोस को क्यों नहीं खिला रहे हो, वो तो इतना अच्छा प्लेयर है, ही शुड बी ऑन द टीम, ना बंदा इंजर्ड है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई इशू है, बंदा रेडी बैठा है, तुमने उसको टीम में क्यों नहीं रखा। उनको ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन दिया ही नहीं कि शैलेश बोस को क्यों नहीं खिला रहे, तो उनको लगा कि इसको इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि वो ईस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। सुरेश चंद्र चौधरी जी को चढ़ा गुस्सा, वो बोले शैलेश बोस तू कर कपड़े पैक एंड लेट्स गो। दे लेफ्ट द क्लब देन एंड देयर। और उस टाइम पे 1 अगस्त 1920 को उन्होंने अपना एक क्लब फॉर्म किया जो कि है ईस्ट बंगाल क्लब। सो दिस इज हाउ ईस्ट बंगाल क्लब वॉज फॉर्म्ड। बट तुम सोच सकते हो मोहन बगान के साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, जो प्रॉब्लम था वो था जोरा बगान के साथ, क्योंकि जोरा बगान ने नहीं अपना प्लेयर खिलाया, लेकिन ये बड़ा एक फुटबॉल राइवलरी बन गया विद मोहन बगान। तो दैट इज हाउ मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल बिकेम द बिगेस्ट राइवलरीज दैट देयर इज, जस्ट बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट डायनमिक एंड स्पेसिफिक पीपल जो कि एक ही जगह रहते हैं बट थोड़े डिफरेंसेस हैं उनमें, उन दोनों को डिवाइड करने के लिए। वैसे तो दोनों बंगाली कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि उनको डिवाइड करने के लिए इनफ हैं, बहुत हैं। वो है जैसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड। नेटिवस्ट पॉपुलेशन जो है मोहन बगान वाला, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कोलकाता है, वो थोड़े एफ्लुएंट हैं देन द इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी थोड़े चेंजेस हैं। देन ड्रेसिंग सेंस, डायलेक्ट, देन ऑल्सो फूड चॉइसेस में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तुम सोच सकते हो इस राइवलरी को द फिश वॉर्स भी बोला जाता है। वी ऑल नो द लव फॉर फिश द बंगाली पीपल हैव। तो जो बंगाल्स हैं हु रिप्रेजेंट द ईस्ट बंगाल का पॉपुलेशन, उनको एक फिश है हिल्सा, उनको बहुत पसंद है वो। और जो घोटीज हैं हु बिलोंग टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, उनको प्रॉन्स फिश बहुत पसंद होती है। तो दोनों का जो चॉइस ऑफ फिश है वो भी डिफरेंट है। तो जब भी मैच डे होता है, डाबी होता है, whoever wins the derby, उस फिश का प्राइस भी बहुत बढ़ जाता है। इमेजिन दोनों जो क्लब्स हैं दे आर सिचुएटेड लेस देन 500 meters, इतना कम डिस्टेंस है दोनों क्लब्स में, मैदान में दोनों सिचुएटेड हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फीफा इस राइवलरी को कंसिडर करता है to be one of the most iconic ones that there is. Pehla match jo first official Kolkata derby hua tha wo Calcutta League mein khela gaya tha in 1925. Socho itna tagda fan following hai dono clubs ka, jab bhi matches hote hain to neighborhood towns ko pura paint kar diya jata hai club colors mein. Jo East Bengal hai unka color hai red and gold, और जो मोहन बगान है उनका कलर है ग्रीन एंड मरून। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल में खेल चुके हैं। वन ऑफ देम इज भाईचुंग भूटिया। 1997 में फेडरेशन कप फाइनल था बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान। तो ईस्ट बंगाल के लिए उस टाइम पे खेलते थे भाईचुंग भूटिया और उन्होंने हैट्रिक मारा था। दैट वाज हिज ब्रेक थ्रू इन इंडियन फुटबॉल। ईस्ट बंगाल वन दैट डर्बी बाय 4-1। बाय द वे अ फन फैक्ट इज भाईचुंग भूटिया हैज आल्सो प्लेड फॉर मोहन बगान एंड ही इज द टॉप गोल स्कोरर इन कोलकाता डर्बी। अगर तुमको इन दोनों क्लब्स का और ड्रामा देखना है तो तुम इंडियन सुपर लीग देख सकते हो, बिकॉज पिछले ही साल ईस्ट बंगाल इंडियन सुपर लीग में एंटर हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन देयर इज मोहन बगान, ठीक है, मोहन बगान प्लेइंग इन द लीग एंड यू डोंट हैव ईस्ट बंगाल, हाउ विल यू कैपिटलाइज एवर? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज डर्बी तो बनता है। लेटेस्ट मैच जो इन दो क्लब्स में हुआ वो 27 नवंबर को हुआ था, विच मोहन बगान 1-3 nil। इनकेस तुमको लग रहा हो कि यार हमको भी देखना है दोनों का मैच जब भी होगा, लेट मी टेल यू 29 January को मैच है दोनों के बीच में, अराउंड 7:30 शुरू हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस, बिकॉज ड्रामा, एंटरटेनमेंट सब कुछ होगा। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट बिलो कि तुम दोनों में से कौन से क्लब को सपोर्ट करते हो, एंड ऑल्सो इफ देर इज एनी राइवलरी दैट आई नीड टू कवर तो मुझे उसके बारे में भी नीचे पक्का लिखें, बिकॉज आई रिसर्च ऑन इट एंड आई रिप्रेजेंट इट हियर एंड आई होप दैट यू लाइक दैट वन एज वेल, जो भी हुआ। बट अभी के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।